वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज अवेश क्लाउड। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जे और नीट 2020 एग्जाम फर्दर पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे। इससे रिलेटेड बच्चों की लगातार क्वेरीज आ रही हैं, लगातार बच्चे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ रहे हैं, बड़े बड़े मैसेज टाइप कर रहे हैं। और उस मैसेज का जो ओवरऑल मीन होता है ना, वो यही होता है कि जेई मेन या नीट 2020 पोस्टपोन होगा। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो ये बोल रहे हैं कि भैया एग्जाम कैंसिल हो सकता है क्या। तो आज के इस वीडियो में हम आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने वाले हैं। देखो, एग्जाम जो है वो कैंसिल नहीं होने वाला है, ना जेई का एग्जाम कैंसिल होगा और ना ही नीट का एग्जाम कैंसिल होगा। ये एग्जाम पोस्टपोन हो सकते हैं, इसके लिए जो MHRD है और NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इनकी मीटिंग भी हुई है। और CBSE का जो फैसला है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है आज यानी 25 को, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि ये एग्जाम पोस्टपोन किए जाएंगे फर्दर या फिर जो पुरानी डेट्स हैं, जो जुलाई के लास्ट में डेट्स हैं, उसमें ये एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। देखो, अब मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि जेई मेन और नीट के जो एग्जाम है वो फिर से पोस्टपोन कर ही दिए जाएंगे, क्योंकि जो महाराष्ट्र स्टेट है, महाराष्ट्र का जो MHT CET एग्जाम है, जो कि जेई मेन के बाद इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट इंजीनियरिंग एंट्रेंस है, वो पोस्टपोन कर दिया गया है। वो जुलाई में होने वाला था, उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। इसके बाद महाराष्ट्र के जो और भी एंट्रेंस एग्जाम है उन्हें भी पोस्टपोन कर दिया गया है। बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, बहुत सारी स्टेट है जिन्होंने अपने कॉलेज एग्जाम को सिर्फ COVID-19 के कारण कैंसिल कर दिया है। COVID-19 के कारण जो कॉलेज स्टूडेंट हैं उन्हें जनरल प्रमोशन दे दिया गया है इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर। तो अब जो फैसला आने वाला है CBSE के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट का, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। मेरे अकॉर्डिंग ये एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे थे कि जो पतंजलि ने मेडिसिन बनाई है, इसके चलते हो सकता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन ना हो फर्दर। लेकिन उस मेडिसिन पे आपको बता दें कि गवर्नमेंट ने फिलहाल रोक लगा दी है, गवर्नमेंट ने मेडिसिन पे अभी रोक लगा दी है, ना ही आप उसका प्रमोशन कर सकते हैं, ना ही वो मेडिसिन अभी मार्केट में आने वाली है। तो फिलहाल अभी तो वो मेडिसिन नहीं आ रही है, जिसके कारण ये जो एग्ज़ाम है उन्हें पोस्टपोन होने की तरफ ही साइन हो रहा है। ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि ये एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएंगे, तो वो अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें यार, ठीक है। एग्ज़ाम किसी भी हालत में कैंसिल नहीं होने वाले हैं, चाहे वो फिर और भी लेट क्यों ना हो जाए, थोड़ा सा डिले क्यों ना हो जाए, लेकिन कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है ना। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन एग्जाम होने वाले हैं आप लोगों के। सुप्रीम कोर्ट में CBSE की हियरिंग के बाद ये फैसला आ सकता है कि जेई मेन और नीट एग्जाम फर्दर पोस्टपोन किए जाएंगे या फिर जो पुरानी डेट्स हैं, जो कि जुलाई के लास्ट में है, उसमें ये एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज ये जो फैसला है वो आ सकता है। और मान लो अगर जेई मेन और नीट एग्जाम पे आज फैसला नहीं आता है, तो कल तक तो आपको जो भी अपडेट होगा वो MHRD की तरफ से या फिर NTA की तरफ से डेफिनेटली दे दिया जाएगा। आपको अगर लेटेस्ट अपडेट लेना है जेई मेन और नीट एग्जाम से रिलेटेड, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप यूट्यूब छोड़ के चाहे तो ट्विटर पे जाके इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को जाके फॉलो कर सकते हैं। वहां पे आपको कोई भी जो अपडेट होगा जेई मेन और नीट एग्जाम से रिलेटेड वो वहां पे मिलने वाला है। जो MHRD है और NTA है, उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे जाकर आप तुरंत अपडेट चेक कर सकते हो। कोई भी अपडेट आएगा तो वो वहीं पे करेंगे।